भाई साहब रुकोगे तो सही। हम मंत्री के साथ बैठते हैं, बेल पर सरकार फेल हो रही है। अरे बेल पर है राहुल गांधी, मंत्री फेल है। हम कह रहे हैं रुकेंगे, आप रुकेंगे, इस्तीफा दो। इन लोगों के बातों से कितना सहमत है? भटकी हुई बातें कर रहे हैं, कोई टॉपिक लॉजिक वाली बात नहीं हो रही। वैसे जो बात है तुम्हारे लिए यही देख लो, आप लोग सुनिए, उसी सरकार में बैठे यही पर जब आम पब्लिक से बात किया जाता है तो कहा जा रहा है कि कोई लॉजिक ही नहीं है इन लोगों के बातों। तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप लोग? शांति बनाओ, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कह रहे थे? थोड़ा शांति से बात करना चाहिए, जो भी चल रहा बातचीत सही है, करना चाहिए। देश की सरकार की बात हो रही है, क्या लगा सही क्या है क्या गलत है? सभी की बातें सही है, मेरे से सीनियर है, बट जो देश की हवा है, आवाम की हवा है, वो तो 2024 में सबको पता ही है। मोदी जी दोबारा रिटर्न आ रहे हैं, और देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी बन के आ रही है। 24 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? महागठबंधन का कल का बैठक आपने देखा ही नहीं शायद? नहीं, राहुल गांधी तो फेस ही नहीं है। अच्छा, हटा दिए गए। अच्छा, फेस कोई भी हो जीतेगी, वही महागठबंधन ही जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। सीधा सीधा दिख रहा है, जनता भी देख रही है, तानाशाही चल रही है। अच्छा, डिक्टेटरशिप तो बनने नहीं देंगे ना इंडिया को। हम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? पकड़ लिया था, गुलाम है, पुलिस गुलाम है, पकड़ लिया इनके, पूरे गुलाम इनके साथ, पूरी तानाशाही हुई। हम क्यों होंगे गुलाम? क्यों आप कैसे घूम रहे? संसद में देखा नहीं है? गवर्नमेंट को इसी भी आ जाए, मिडिल क्लास हमेशा सफर करेगा, ये चीज गारंटी है। पढ़े लिखे हैं, जामिया का छात्र है, ऐसे नहीं है, उठ के नहीं आ गए हम। एक मिनट, मोदी जी डिक्टेटर कैसे हैं आप बताओ भाई? संसद में सवाल पूछने पे निकाल दिया जा रहा, क्या है ये? सांसदों को, विपक्ष, उन्होंने कुछ नहीं किया, सवाल पूछा, और वो जो अब धुएं चले थे, होली बनी थी, बीजेपी बीजेपी के सांसद के लेटर पे आए थे ना वो बच्चे, जो भी आए थे, और किसी किसी में नहीं आए थे, मतलब उन्होंने बता दिया जो आपको, वो तो आपने मान लिया। बीजेपी की सरकार है, सिक्योरिटी बीजेपी को देखनी है, तो कौन इसका जांच करो ना भाई, जेल डालो, जाओ। गुंडों का काम करना होता है, गुंडागर्दी करना, वो जो घुसे वो गुंडे हैं, गुंडों का काम है गुंडागर्दी, पुलिस का काम है पकड़ना, भाई बीजेपी सरकार है वो गुंडों को पकड़ना। राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगार है भाई, जो घुसे वो गुंडे हैं भाई, जब गुंडागर्दी चल रही है गुंडे ही हैं, गुंडे हैं वो, के जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सारे, कांग्रेस जब एनआरसी की चल रही थी ना उसमें भी उन्होंने, भाई भाई एक मिनट, एक क्या किया, एक मिनट, एक क्या किया, कांग्रेस के नेता रुक तो जा, रुक तो जा, रुक तो जा, अरे बोलने दो यार। मैडम दीना जो मैडम बाहर धुआं लेके घूम रही थी, सपोर्ट कर रही थी वो उसको। किसकी? तो फिर क्या हो गया? जो वो जो घुसी थी तो सरकार फेल। भाई आपने सीधा सीधा लेटर पे दिया, गुंडे थे भाई, तो गुंडे थे। मेरी बात तो सुनो, बीजेपी के सांसद का जो लेटर है उसके लेटर पे वो लड़कों ने एंट्री लिया, उन सांसद ने अपनी लेटर दी कैसे? लेकिन वो कौन थे भाई? छह कौन थे वो छोड़ो, उन्होंने एंट्री दी कैसे? आपको थोड़ी नॉलेज कम है, बीजेपी ने नहीं दी मेरे भाई, वो कांग्रेस के लोगों ने दी है भाई। बीजेपी का सांसद है, कांग्रेस का लीडर कैसे होगा? सांसद एक जगह है क्या? बीजेपी के सांसद का लेटर था वो, शायद आपने ये कह रहे हैं कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस इतनी मजबूत है वो कुछ भी। सुनिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, दूसरे टेक के बैठी है। सांसद के लेटर हेड पे लेकर जाएं और संसद में हंगामा करें और उसका सपोर्ट राहुल गांधी करें कि बेरोजगार हैं, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बात और बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, अभी तो खाली धुआं लेके घूमे हैं, उस टाइम पे बंदूकें लेके घुस जाते थे, तोप लेके घुस जाते थे, खाली बम लेके घुस जाते थे, आज तो फिर भी इनमें दम नहीं है भाई। अगर कोई लेके, भाई कोई कोई लेके घुस रहा, अगर उससे 26/11 भूल गए क्या? सस्पेंड किया जाएगा, जो विपक्ष सवाल पूछेगी उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो फिर क्यों किया गया भाई? 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनकी गलती थी, उनकी गलती, उनकी गलती चल रही है वहाँ। अगर मोदी जी भी वो गलती करेंगे ना, मोदी का बाप का शर्म से तुम मरो। पुलवामा अटैक की जांच नहीं हो पा रही अभी तक, सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ था पता है? सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तानियों की हवा उखाड़ दी, अरे पाकिस्तानियों की हवा टाइट कर दी, हवा टाइट हुआ। जो मर्जी बोल लीजिए, 2024 में आएगा तो मोदी। अच्छा, आप बताओ। अरे सुनो,
तो भैया आखिर काहे आएगा, इधर आओ इधर आओ। बाइडेन के सामने कांपते हैं, हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है। अच्छा। और यार डेमोक्रेसी से जनाजा निकाला जा रहा है, बाइडेन के सामने कांप के हम तो हमारे डीएनए में क्या कहता बताएं, लोकतंत्र है, कौन हजारों साल से चला है। अरे कौन कौन कांपे, कौन है, कौन कांप रहा है, जिसने बोला कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री ने बोला है। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे यूं करते ही हूं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, आप पब्लिक की बात सुनने दो, पब्लिक की बात। 24 में प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी ही का है, मोदी ही का है। अरे मोदी है तो सब कुछ है, मोदी ही का है। अच्छा 24 में प्रधानमंत्री कौन? मोदी, मोदी, मोदी ही का है। मोदी है तो नामुमकिन है सब। क्या है? मोदी है तो सब नामुमकिन है। अच्छा नामुमकिन क्यों, क्या नामुमकिन? मोदी अच्छा आदमी है, मोदी शेतकरी के लिए 2000 देता है प्रति 6 महीने। दो कहाँ के रहने वाले हैं? हम अहमदनगर से रहने वाले महाराष्ट्र में। अच्छा 24 में प्रधानमंत्री कौन? मोदी भाई, मोदी, मोदी का है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा 24 में प्रधानमंत्री कौन? जो मैं जी बने मुझे क्या? मोदी भाई, मोदी। अच्छा मोदी क्यों? खाओ माँ कसम। ये क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, हाँ सुनो 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 सुनो, किस बात के लिए माँ कसम? किसी चीज के लिए नहीं भाई, मेरे को क्यों पकड़ा है, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। हाँ बताओ कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भाई बोलो बोलो यार, चलेगा कोई भी, चलेगा कोई भी, क्यों भाई? जो जिसमें दम है वो जीते ना। हाँ सरकारें बहुमत से बनती हैं, जिनके पास बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपके नजरिए में है कोई जिसको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहें? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो फिर तब आप अपने अधिकारों का जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या तो दबाव में हैं। नहीं लोग अच्छे नहीं है, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है। कौन नहीं अच्छा है? सारे। हाँ तो जब पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होंगे तो सरकारें कैसे चलेगी, कौन चलाएगा फिर? वही खराब पॉलिटिशियन जो है। हाँ फिर तो अपनी जिम्मेदारी से आप मुकर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी एक मतदाता की जिम्मेदारी होता है, जो भारतीय नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है कि सरकारों के प्रति अपना मत रखे, अपना विचारों को रखे। तो आप तो बाइकआउट कर रहे हैं, इससे रख ही नहीं पा रहे हैं। आएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री आप तो IIT फिर से मोदी जी बनेंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। वोट क्यों मिल रहे हैं उनको इतना ज्यादा? ये कोई लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो उनको वोट मिल रहे हैं। अच्छा किया हमारा, बस वो आगे वाला पार्ट काट देना माँ कसम, ठीक है ये डाल लेना। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया यार हमारा, हमारा क्या कहते हैं CDS वगैरह लाए हैं, उसके कारण बहुत हुआ है। प्लस पाकिस्तान को सस्पेंस वो नीचे दबा रहे हैं, और इंडो चाइना को भी काफी नीचे कर रहे हैं। वो जो बेरोजगार है युवा कहा जा रहा है, वो तो युवा कहा जा रहा है कि बेरोजगार है, काम नहीं लोगों का। तो पढ़ाई करो ना, IIT गए भैया ये निकालेंगे BTech। अच्छा बस पढ़ाई करो। महंगाई पे क्या राय रखते हैं? महंगाई तो ज्यादा है यार, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो सरकार बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी? लगता तो नहीं है। राहुल गांधी को क्या, उनके विषय में क्या सोचते हैं? देखो राहुल गांधी पहले तो बहुत पप्पू के नाम से फेमस हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है उसके कारण थोड़ी इमेज तो चेंज होनी चाहिए। अच्छा हाँ, भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि जो भी कर लें इतनी सही हो नहीं पाएगी कि प्रधानमंत्री के लेवल पे आ सके। अच्छा कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसके युवा नेता हैं वो 50 साल के युवा नेता। युवा नेता है, अभी तक शादी नहीं हुआ उनका, आप कह रहे हो 50 साल? शादी तो यार मेरे, मैं क्या बोलूँ, इतने लोगों की नहीं हुई है, वो कहाँ से युवा हो गए अब। अच्छा 84 तो जो गांधी परिवार ने आपके साथ के थे, जवाब दो जरा, याद करो उनसे, बात करें कांग्रेसियों की।